नमस्कार, मैं विशाल सिंह वी काम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है कि आज इस कोविड-19 में आपका स्टॉक मार्केट काफी डाउन जा चुका है। ग्लोबल लेवल पे भारत को बहुत हानि हो रही है। ये भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में उनकी सेंसेक्स गिर रही है, बिजनेस डाउन हो रहा है। आज इसके नाते हम आपको सेबी के विषय में बताना चाहेंगे। सेबी के विषय में बताने से पहले सेबी की हिस्ट्री, सेबी के फंक्शन पावर क्या है, सेबी के रोल क्या है। रोल में ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी के अंतर्गत हमारे सेंसेक्स, बीएससी और एनएससी आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि सबसे पहले भारत में सेबी की गठन 1947 के पहले की क्या कंडीशन थी। 1947 के पहले भारत में सबसे पहले सेबी का गठन 1875 में मुंबई में किया गया था, नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। नाम ध्यान दे, नेटिव शेयर स्टॉक एसोसिएशन के नाम से स्थापना की गई। विश्व में सर्वप्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना लंदन में की गई थी 1873 में। विश्व में सर्वप्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1873 में की गई थी। स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का मूल उद्देश्य यह रहा कि कंपनियां अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड ये खरीद और बिक्री का काम करती। पुरातन व्यवस्थाओं के अंतर्गत पहले ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। लोग एक जगह पर इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होने के बाद अपने शेयर की खरीद फरोख्त करते थे। भारत में अभी जैसे मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1875 में किए गए, भारत में सेबी एक्ट को 1988 में सेबी नाम दिया गया। सबसे पहले इसकी सेबी के 17 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इन स्टॉक एक्सचेंज कुछ बोर्ड हैं जिनके माध्यम से वो काम करती है। आरबीआई के कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई में है। इसके प्रेजेंट समय में चेयरमैन अजीत त्यागी जी है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट चेयरमैन अजीत त्यागी जी है, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2017 में हुआ था। सबसे पहले मैं सेबी के आपके ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड के विषय में बताना चाहूंगा। सेबी के ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड में एक चेयरमैन होता है जो इस समय अजीत त्यागी जी है। बोर्ड ऑफ दी सेबी, सेबी के जो बोर्ड गठन होते हैं उसमें जो मेंबर होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके विषय में बताते हैं। सबसे पहले बोर्ड में फर्स्ट पद अध्यक्ष का होता है, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, जो अजीत त्यागी जी है। नेक्स्ट स्टेज का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से दो मेंबर दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक मेंबर दिया जाता है। नेक्स्ट इनके 5 सदस्यों की 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, सबसे पहले सेबी का मेंबरशिप होने के लिए लॉ सेक्टर विधि का आपको ज्ञान हो, फाइनेंस सेक्टर की जानकारी हो, विधि विशेषज्ञ स्पेशल नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप क्वालिटी रखते हो, अकाउंट्स के विषय में जानकारी हो, और एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रशासनिक क्षमता के विषय में जानकारी हो।
सेबी की योग्यता क्या होती है। सेबी की योग्यता आपको बताई गई। नेक्स्ट है पावर ऑफ दी सेबी, सेबी के क्या शक्तियां। सबसे बड़ी शक्ति सेबी गाइडलाइन इश्यू करता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसकी गाइडलाइन सेबी के ही द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट सेबी यह कहता है कि जो भी शेयर और डिबेंचर कोई भी व्यक्ति खरीदता है या बेचता है वह डायरेक्ट नहीं कर सकता, वह किसके माध्यम से करेगा, ब्रोकर के माध्यम से करेगा। उन ब्रोकरों से डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य होता है। यह कैपिटल और म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग करता है, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लिस्टिंग के विषय में इंडेक्स और सेंसेक्स के विषय में बताई जाएगी। और ये सभी कार्यों की सूचनाएं कर प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन देता है स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट इसके पावर है कि ये इंस्पेक्शन प्रत्येक कार्यविधि की जांच करता है। रोल ऑफ सेबी, ये दो प्रकार के होते हैं। सेबी का भूमिका क्या है मार्केट में। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट है सेबी की, सेकंड है सेकेंडरी मार्केट। प्रथम हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ये निवेशकों के, प्रत्येक इन्वेस्टरों को इंफॉर्मेशन सूचना देता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट को बताता है, कंपनी की गाइडलाइन को बताता है। कंपनी अपने टोटल बैलेंस शीट को सेबी के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली के ऊपर प्रस्तुत करती है। फॉरेन इन्वेस्टरों के ऊपर जो भी विदेशी कंपनियां आपके यहां शेयर खरीदती है उनको करेंसी चेंज करता है, उनको यह पावर देता है कि वह शेयर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी मार्केट में थर्ड पोजीशन है पारदर्शिता। ये एकदम ओपन मार्केट है, कोई भी व्यक्ति किस रेट में शेयर खरीद रहा है, किस शेयर में बेच रहा है, उस व्यक्ति तक इसकी पूरी सूचना उसे प्राप्त करने का अधिकार है और वो उसे डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करता है। सेबी प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टरों को सार्वजनिक रूप से यह ऑफर देती है कि वह भारत में आए, अपने स्टॉक में वो पैसा लगाए, कंपनियों में पैसा लगाए, उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान की जाती है कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई भी चीज ओपन मार्केट के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, कौन कितना पैसा लगाया, किसने खरीदा, किस रेट में खरीदा, उसे क्या डिविडेंड्स लाभांश प्राप्त हुए, ये रिटेल माध्यम से भी आपको प्रस्तुत करती है। सेबी या प्राइमरी मार्केट में यह ध्यान देती है कि भारत का स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल लेवल पे हो और उसमें समय समय पर जो भी परिवर्तन करना हो न्यू गाइडलाइन वो प्रस्तुत करती है। सेबी का सेकेंडरी है, सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे बड़ी चीज सेकेंडरी में आती है। ये प्रत्येक इन्वेस्टरों को अपने यहां बुलाती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है। ध्यान दीजिएगा, वह ट्रेनिंग प्लेसमेंट भी होता है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट मतलब उन्हें शेयर खरीदने के सिस्टम के विषय में जानकारी करती है, ब्रोकरों को यह बताती है कि वो बार बार उस लोगों को बताए कि किस प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या ध्यान देती है सेबी कि किसी भी प्रकार के मेरे जो इन्वेस्टर है उनमें कोई सस्पेंशन न बना हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसे स्पष्ट करती है। सेबी सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड रूल है यूसीसी, ध्यान दीजिएगा, यूनिक क्लाइंट कोड, प्रत्येक क्रेता विक्रेता की पहचान करना। उसके लिए वो उनसे आईडी प्रूफ लेती है, उनको लिस्टिंग करती है कि इसके विषय में सेबी प्रत्येक व्यक्ति की जो उनके यहाँ स्टॉक खरीदते हैं उनके विषय में जानकारी पता। ये इंटरनेट प्रणाली को मजबूत करना, क्योंकि बिना इंटरनेट प्रणाली के माध्यम से आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदना संभव नहीं है। ब्रोकरेज सबसे बड़ी चीज, ये ध्यान दीजिएगा सेकंड में ही का, जो भी ब्रोकरेज होगा वह सेबी का पदेन मेंबर नहीं हो सकता। ये ध्यान देने योग्य बात है, सेबी का
चेयरमैन होने के लिए, सेबी का मेंबर होने के लिए वो ब्रोकरेज व्यक्ति नहीं हो सकता। केवाईसी प्रत्येक कस्टमर, इसका मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं, केवाईसी होना अनिवार्य है। भले ही केवाईसी वो भारत के अंदर हो या बाहर, मींस फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर भारत के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता है तो उसकी जानकारी होना अनिवार्य होती है। बायबैक ऑफ शेयर, शेयर को पुनः दोबारा खरीद व बिक्री सेकेंडरी माध्यम से की जाती है। प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर डिवेंचर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि सेबी दिन पर दिन अपने आप को बहुत अधिक सुधार कर रही है, यह सुधार की आवश्यकता भी है, क्योंकि एक इसमें स्कैम घोटाला बहुत बड़ा हुआ था, फर्स्ट घोटाला हुआ था हर्षद मेहता का घोटाला, यह आप लोग जानते भी हैं। इसलिए सेबी यह पूरा ध्यान देती है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कोई कमी है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, और उसमें हम जो कमियां दूर करके नेक्स्ट कोई घोटाला नहीं। ऐसा नहीं है कि हर्षद मेहता के बाद कोई घोटाला इंडिया में हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि एक दो और हुए, लेकिन तब भी सेबी अपने आप को बहुत ही सुधार की है। धन्यवाद। हम आपको इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में सेबी के विषय में बताई गई यह सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मेरा एक विनम्र अनुरोध है आपको कि यह चैनल वी काम ई लर्निंग मैक्सिमम आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इस चैनल चलाने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि जो बच्चे शिक्षा से किसी भी प्रकार किसी कारण से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आज इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशनल पॉइंट की सारी चीजें आपको यहां पर दी जाएगी जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स लॉ सेक्टर और कंप्यूटर के संबंध में होगी। धन्यवाद।